अतिथि शिक्षक को गुहार लगाना पड़ा महंगा। जैसे ही वो गुहार लगाने पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बता दे कि सतना कलेक्टर में जनसुनवाई के दौरान एक शिक्षक अपनी शिकायत लेकर पहुंचा, जहां उसने ये बताया कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। साथ ही शिक्षक ने यह बताया कि उसे 9 साल एक ही स्कूल में हो गए और उसे षड्यंत्र पूर्वक उस स्कूल से हटा दिया गया है। जब इन सबकी शिकायत लेकर अतिथि शिक्षक पहुंचा जनसुनवाई, तो सतना कलेक्टर ने जो कहा उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। दरअसल अतिथि शिक्षक जैसे ही सतना कलेक्टर सत्येंद्र सिंह के समक्ष जाकर खड़ा हुआ, तो कलेक्टर ने आवेदन को हाथ में लेते ही बोला कि चलो ये सब तो ठीक है, 17 का पहाड़ा सुनाओ। फिर क्या था, अतिथि के होश उड़ गए। अतिथि शिक्षक रुक रुक कर 17 का पहाड़ा सुनाने लगा। वहीं वे 17 का पहाड़ा केवल 5 तक ही सुना पाया। इसके बाद उसकी बोलती बंद हो गई, जिस पर कलेक्टर ने कहा कि ये सुनाओ, आगे भी सुनाओ। अतिथि शिक्षक ने इस पर बहाना लगाया कि उसे बुखार हो गया है, जिसके कारण वे आगे का भूल गया है। जिस पर कलेक्टर ने फटकार लगाते हुए कहा कि बुखार से कोई भी 17 का पहाड़ा नहीं भूलता है, अच्छा ही हुआ तुम्हें हटा दिया गया है। आगे तो सुनाते जाओ, हो गया जाओ। अरे आप सतना का पहाड़ा नहीं आता, साथ साथ अति शिक्षक कह भाई बुखार होने से सतना का पहाड़ा नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया बात।